देश के अंदर एक तो नॉर्मल बैंक जो है वो काम करती है, जो आरबीआई के अंदर एक तरीके से नॉर्मल बैंक है, आप लोगों का भी अकाउंट होगा किसी ना किसी बैंक में, वो बैंक तो हमारी काम करती है, जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा हम लोग चाहते थे कि जो हमारी पोस्ट हैं, और आप लोगों को पता है कि पोस्ट इंडिया में ज़्यादातर हर एरिया में आप लोगों को पोस्ट मिल जाएंगी, तो हम लोग इनको मॉडर्नाइज करना चाहते थे और साथ में एक नया वर्क भी देना चाहते थे जिससे इनका भी रिलीवेंट आज की सोसाइटी में बचा रहे। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इनको एक बैंक के रूप में चेंज कर दिया। तो जिस जिस विलेज के आसपास या जिस जिस सिटी के अंदर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट को ही एज अ बैंक यूज़ करेंगे। क्या इसी पर्पज से हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया, और इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जो फाइनेंस से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं वो देश के अलग अलग पार्ट में पहुंच सकें, मतलब सबके पास कम से कम एक बैंक अकाउंट तो हो। तो सबके पास अगर एक एक बैंक अकाउंट भी होगा तो इसका मतलब उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है। और उस बैंक अकाउंट में कभी ना कभी तो ट्रांजेक्शन करेंगे, कभी 500 रुपये, 1000 रुपये, आप लोग छोटे सब्जी वालों को भी देखते हैं सब पेटीएम रखते हैं, तो उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और एक और फ़ायदा इसका क्या होता है कि हमारे देश के अंदर करप्शन भी कम होगा। करप्शन कैसे कम होगा, ज़्यादातर जो करप्शन होता है ना वो कैश में चलता है, लेकिन अगर हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लें तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन बैंक में दिखेंगी, और इससे हम लोगों को कैश की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, और कैश की ज़रूरत कम पड़ेगी इसका मतलब आरबीआई का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। भाई एक नोट को छापने के लिए कुछ कॉस्ट तो लगती होगी ना, कि उस नोट को उन्होंने छापा, वो सारी चीज़ें हुई। और एक और फ़ायदा ये नहीं होता, फेक करेंसी नहीं चल पाती। फिर देखो, फेक करेंसी वहीं चलती है जहाँ पे आपका नोट कैश में हो, डिजिटल दुनिया में कोई फेक करेंसी नहीं होती। ठीक है, वो सारे पैसे आपके बैंक में रखे हुए हैं, आप लोगों को एक दिख रहा है इतनी इनकम है, उसके बेस पे सारी चीज़ें चलती है। लेकिन अगर कैश में होगा तो बहुत सारे लोग फेक करेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे बोला जाता है कि पाकिस्तान जान पूछ के इंडिया में फेक करेंसी लॉन्च करता है, उसका उन्हें क्या फ़ायदा होता है, इंडिया में अगर फेक करेंसी होगी तो हम लोग इनके यहाँ इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, और साथ में कई बार ऐसा होता है बहुत सारे नोट जो हमको पता भी नहीं चलता वैसे फेक हैं और आप लोगों के पास भी आ सकते हैं, उससे आप लोगों को भी लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए हम लोगों ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनको स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सारे जो काम कर सकते हैं, शुरुआत में हम लोगों ने इनको बोला था कि भैया देखो आप लोग ना ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं करना, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास करना बस, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास एक्सपीरियंस ना हो। हाँ, अरे मतलब जैसे एक ट्रांजेक्शन कोई करना चाहता है तो एक टाइम में 1 लाख के आसपास ट्रांजेक्शन, ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन करोगे तो हो सकता है आप लोग हैंडल ना कर पाओ और सामने वाले को पैसे भी ना दे पाओ, तो आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे हम आपकी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अभी आप में से भी किसी ने खुलवाया होगा पोस्ट पेमेंट बैंक में ना, तो वहाँ पे आप लोग खाता खुल जाए, हाँ उन्होंने खुलवाया है, चलिए मुबारक हो आप लोगों। और एक चीज़ याद रखना, इसका 100% शेयर किसके पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास, मतलब हम लोगों ने इसके शेयर प्राइवेट को नहीं बांटे हैं, ये एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक की तरह काम करेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है ये हमारी तरीके से काम करे, और इससे अभी तक हमारे देश के अंदर इतने सारे लोगों को एक तरीके से फ़ायदा भी हो चुका है। और इसका काम क्या है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, आप लोगों के पास जो भी खाता होगा या तो सेविंग होगा या करंट होगा, वैसे मैक्सिमम आप लोगों के पास सेविंग खाता होगा। उसका रीज़न क्या है, करंट अकाउंट उसके लिए खुलता है जो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, और करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती, इतनी ट्रांजेक्शन हो सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, अगर आपने उससे ज़्यादा टाइम पैसे निकाले तो आप लोगों से चार्जेस लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना एटीएम से आप लोग पैसे निकाल रहे हैं तो 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आपने किया तो आपसे चार्जेस लगने लग जाएंगे, लेकिन करंट अकाउंट में बिजनेस अकाउंट में ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके पास डिपॉजिट भी ज़्यादा रखना होता है, जैसे इन लोगों के लिए मिनिमम 10,000 कंपल्सरी होता है कि इनके अकाउंट में डिपॉजिट ही हो। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, 0 बैलेंस पे खुल जाता है। ठीक है, साथ में एक और फ़ायदा है कि आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन आती है,
तो पेंशन अगर अकाउंट में आएगी तो उनको सारे पैसे मिल जाएंगे, और पेंशन अगर कैश में दी जाएगी हो सकता है प्रधान बीच में खा जाए, मेयर बीच में खा जाए, वो सारी प्रॉब्लम। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग मनरेगा में जॉब करते हैं, तो सरकार ने सोचा है कि जो जो लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू पैसे लेते हैं और गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम डायरेक्टली पेमेंट करें, तो इसलिए सरकार ने इसका भी यूज़ किया है। तो सरकार सोचती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब हम किसी भी बिचौलिए को पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, डायरेक्ट उन लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और साथ में आप पेमेंट बैंक से, इनसे पोस्ट पेमेंट से लोन भी ले सकते हो और इंश्योरेंस भी आपका हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें भी आपको सुविधाएं जब देती हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। समझ आए आप लोगों को? तो ये वाली बातें लिख लो आप लोग, पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़, आप लोगों ने सुना ही होगा कोलकाता में जो रेप केस हुआ था ना, उसके बाद बोला गया, देखो एक रेपिस्ट ने बोला कि मेरा कोई रोल नहीं है, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, और मुझे इसलिए आप लोग छोड़ दो। तो जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उस टाइम एक सबसे बढ़िया तरीका है पॉलीग्राफी टेस्ट। ये आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में देखा भी होगा कि ये सारी चीज़ें, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक इंजेक्शन लगाएंगे जिसके थ्रू क्या होगा, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो चला जाएगा। मतलब हमारे दो माइंड होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। देखो कॉन्शियस माइंड वो है जो आपका अलर्ट है, ठीक है, आप लोगों के सामने या आप सबके सामने जो माइंड दिखाते हो वो आप लोगों का कॉन्शियस माइंड है। देखो सबके सामने आप लोग खुश ही रहते हो, लेकिन एक्चुअल में आपके जीवन में गड़बड़ क्या चल रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी बातें बता देता है। ठीक है, ये आप लोगों को इसको फील करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप लोग शांत बैठ जाओ किसी भी एक कमरे में जहाँ पर कोई भी शोर ना हो रहा हो, आप अपने साथ बैठ जाओ आंखें बंद करके, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना तूफान मचा हुआ है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो आप लोगों को कई बार फील होता है ना नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि आप अभी कॉन्शियस माइंड से सोच रहे थे। जैसे ही आप 15-20 मिनट पहुंचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी बातें उड़ेड़ के आपके सामने रख देगा, तो जितनी देर आप अपने साथ बैठोगे उतनी देर आपको पता चलेगा। सेम ऐसे ही क्या होता है, हम लोग कई बार जो टेररिस्ट लोग होते हैं या क्रिमिनल लोग होते हैं उनके ऊपर हम लोग पॉलीग्राफिक टेस्ट करते हैं, और हमारी जो कोर्ट है उसने रेयर ऑफ रेयर केस में इसको अलाउ भी किया है। देखो प्रॉब्लम ये होता है जब किसी को केमिकल दिया जाता है ना, रिएक्शन भी हो सकता है, मान लो उसका बीपी हाई हो गया, हार्ट फेल होने का डर हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो आप पॉलीग्राफिक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी ये आपको कंप्यूटर में दिख रहा है ना, अगर आप लोग झूठ बोलेंगे, जैसे आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा जब भी आप कोई झूठ बोलते हो ना तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब आप झूठ नहीं बोलते हो तो आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती, आप नॉर्मल एक तरीके से रहते हो। तो सेम ही ये लोग क्या करते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट में, यही सारी चीज़ें देखते हैं, अगर किसी ने झूठ बोला है तो इसका मतलब उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी अप डाउन होगी, और अगर झूठ नहीं बोला है तो नॉर्मल चलेगी जिस पेस पे चलती है, तो उससे हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि इस बंदे ने झूठ बोला है या सही बोला है, इसी को हम कहते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो याद रखना कई बार एक तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और अभी कोलकाता रेप केस में ये सामने आया था तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भैया ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है, तो किसी की भी सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी बातें, तो इसको क्या करेंगे डॉक्टर, एक तरीके से पीछे लेके जाएंगे उस दिन के इंसिडेंट पे, और उससे पूछेंगे उस दिन के इंसिडेंट में तुम कहाँ थे, अच्छा ये बताओ तुमने क्या क्या देखा, तुमने क्या किया, किसने तुमसे क्या करवाया, किसने तुमको बोला कि गाड़ी लेके जाओ, ये सारी बातें हम सबकॉन्शियस माइंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड से सारी बातें निकलेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये भाई साहब झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आसान भी हो जाएगी, और इसी को कहते हैं नार्को एनालिसिस। सुना होगा ना आपने, पहले जब ये पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं था तो नार्को ड्रग्स दी जाती थी। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता था, आदमी बेहोश हो जाता था, लेकिन उसमें डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते थे। मतलब अगर मान लो तुमने नार्को ड्रग्स दे दिया और होश ही नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है नहीं,
तो ये सारी चीज़ें भी हमको साथ साथ देखनी होती है, और साथ में कंसेंट लेनी पड़ती है उस पर्सन की, मतलब कोई बंदा है उससे पूछना पड़ता है कि भाई साहब आप रेडी हो ना इसके लिए, तो बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कंसेंट की ज़रूरत भी नहीं, जैसे इस केस में कहीं ना कहीं कोर्ट ने बोला देखो भाई साहब तुमने काम ही ऐसा किया है और तुम उसमें सारी चीज़ें तुम्हारी पता चल रही हैं, तो इसलिए तुमसे कंसेंट तो ली नहीं जाएगी। हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, उस बेस पर डिसाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है, समझ आए। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉलीग्राफ टेस्ट में होती हैं, बस आप ये याद रखना पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। अब इसको पोस्ट से मत जोड़ देना, पॉलीग्राफी टेस्ट पोस्ट से रिलेटेड होता है, इससे हम लोग केमिकल बनाते हैं, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें उनको ये वापस ला के आ जाता है। लिख लीजिए ये वाला पॉलीग्राफी टेस्ट, और याद रखना क्रिमिनल के लिए किसी उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, और अभी ये न्यूज़ में किस लिए था, कोलकाता केस के वजह से। तो कोलकाता में जो केस हुआ था उसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, और किस बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दी। अरे जो क्रिमिनल है उनके ऊपर ही टेस्ट होगा ना, संदीप ये नहीं पूछा जाएगा, संदीप पे हुआ है ध्यान रखना, नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी। याद रखना जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है ना, तो उसमें नाम मैटर नहीं करता, उसमें टेक्नोलॉजी मैटर करती है। और याद रखना टेक्नोलॉजी में आप लोगों से टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है ये पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट बनता कैसे है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना आप लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज थोड़ी ना है आप लोगों की। उसमें जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चीज़ बोली जाती है आपके सिलेबस के नीचे लिखा हुआ है, हम लोगों को जनरल पब्लिक की तरह आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन सेंस इन सिंपल भाषा में कहें। और ये पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे बनता है ये आप लोगों का काम है ही नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म हो गया, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए हाँ पॉलीग्राफी टेस्ट ये होता है। अब ये जनरल पब्लिक भी मीडिया में बहुत धूमधाम के बता रही होगी कि इससे सारे सच सच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इतना आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, तो अपने ऊपर कभी बर्डन इतना नहीं डालना। देखो पल्स रेट तब भी बढ़ सकती है, लेकिन एक चीज़ हमने पहले ही बोली थी वो कॉन्शियस माइंड में है ही नहीं, प्रेजेंट में नहीं है ना वो। देखो डर तो तब लगेगा ना जब उसको पता होगा कि इधर पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, उससे पहले उसको क्या कर दिया जा रहा है, एक इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, उस इंजेक्शन में क्या होगा पहले बेहोश हो जाएगा, मतलब उसका प्रेजेंट है ही नहीं अब, और वो कहाँ पहुँच जाएगा पास्ट में, और जब पास्ट में पहुँच गया तो पास्ट में उसने जो जो चीज़ की होगी वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, समझ आया। तो वो सारी चीज़ें वैसे ही काउंटर हो गई, क्योंकि अगर किसी को ये पता ही नहीं है मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है तो कैसे उसकी पल्स रेट हाई बढ़ेगी या लो होगी, है ना। बिल्कुल वहाँ से पता चल जाएगा, और प्रेजेंट को इसीलिए इग्नोर किया जाता है। ये सेम ऐसे ही जैसे आजकल तो होता नहीं, पहले होता था ऑपरेशन से पहले ना इंजेक्शन दिया जाता था पेशेंट को, आप लोगों ने सुना होगा ना, तो थोड़ा सा बेहोश हो जाता था, सेम ऐसे ही इसके साथ है। तो आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि उसका ऑपरेशन भी हुआ है, बाद में जब वो उठता था उसके बाद पता चलता था, सेम ऐसे ही इनके साथ होगा। इस भाई साहब को याद ही नहीं होगा कौन इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरे ऊपर आरोप क्या है, वो कुछ याद नहीं है उस भाई साहब को, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की हैं, और ये सब कहाँ पहुँच जाएगा पास्ट में पहुँच जाएगा, मतलब इसलिए भी सारी चीज़ें। और रजत जी ये भी सही कह रहे थे, एक साथ वो जो है ना वो एक तरीके से ऊपर उठने लग जाएगा, इसलिए भी वो सारी चीज़ों में। आपको टेस्ट कराना है चलिए मिशन पोषण 2.0। देखो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, खासकर हमारे देश में वुमेन के साथ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के साथ आप लोगों ने देखा ही होगा, और वुमेन के साथ जो न्यूट्रिशन या पोषण की प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोगों ने पोषण मिशन चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर उसने एक स्कीम चलाई थी। इसका मेन पर्पस यही है कि हम कैसे अपनी वुमेन को न्यूट्रिएंट के साथ एक तरीके से जाने। इससे फ़ायदा क्या होता है सोचो आप लोग, एक वुमेन है, अब ये वुमेन हो सकता है मैरिड भी हो सकता है कोई गर्ल भी हो, लेकिन आप जी सोचो अगर इस वुमेन के अंदर ही न्यूट्रिशन की कमी है तो इसका बच्चा कैसा होगा,
अनहेल्दी होगा ना, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसकी फिजिकल बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, इस वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। और सोचो वो जो चाइल्ड है वो हमारा फ्यूचर भी है। अब सोचो जब फ्यूचर को पोलियो ही हो रहा है तो क्या होगा, हमारा भविष्य सही रहेगा? इस चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो वुमेन मैरिड है प्लस जो गर्ल अभी पढ़ती है, कहीं भी पढ़ती है या कुछ भी काम करती है, उन सबको सरकार क्या देगी, न्यूट्रिएंट्स फूड देगी। हो सकता है इनको फ्रूट दे दे, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा ड्राई फ्रूट दे दे, और साथ में कुछ और भी चीज़ आती है, विटामिन डी की गोलियां आती हैं, साथ में कैल्शियम की गोलियां आती हैं, वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएंगी, और उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सही से संवर जाएगा। इसलिए सरकार ने इस चीज़ को फोकस किया है, और इसमें ज़्यादातर फोकस इस बेस पर है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आपने सुना है ना आंगनवाड़ी, आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में चलती है, और वहाँ पर काम करती है आशा दीदी, सुना होगा ना आशा दीदी होती है, उन आशा दीदी का काम है वुमेन की हेल्थ केयर करना, और इनको पैसा मिलता है इस बात को करने के लिए। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको सारी नॉलेज ये आशा दीदी एक तरीके से देती है, और इनकी जो प्रॉब्लम है ये है वेस्टिंग, अंडरवेट और स्टंटिंग। वेस्टिंग में क्या होता है, आपका जैसा हाइट है उस हिसाब से आपका वेट नहीं है, मतलब हाइट के हिसाब से वेट देखते हैं ना हम लोग कि जितना हाइट होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा वेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों की स्टंटिंग में क्या होता है, आपकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, छोटे हो, तो ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम करने के लिए, और साथ में ये अंडर वेट मतलब जितना आपका वेट है उस हिसाब से आप नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड दिए जाएंगे, जिसको जो प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से सारी चीज़ें होगी, और ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी हो सकती हैं, और इसको हम एक टर्म देते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, और न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो इंडिया में बोला भी जाता है, इंडिया में ज़्यादातर जो वुमेन है उनको एनीमिया है, एनीमिया समझते हो, हाँ ब्लड की कमी है हमारे देश के अंदर। अब सोचो अगर उन वुमेन के अंदर ब्लड की कमी है, और सोचो वो प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म दे रही है, तो ब्लड कम होने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, इसका मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर MMR, ये सुना है आपने, मदर मोर्टेलिटी रेट, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई वुमेन किसी बच्चे को बर्थ दे रही है उसके बाद उसकी डेथ हो जाना, तो पर लाख वुमेन पर मतलब 100,000 वुमेन ने बच्चों को जन्म दिया उनमें से कितनी वुमेन की डेथ हो गई, और ये MMR डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। अगर न्यूट्रिशन वुमेन को सही मिला है तो इसका मतलब उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत कम है, अगर न्यूट्रिशन बहुत सही मिला है तो इसका मतलब उसके डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, और कम रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भैया हम लोगों को उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए बोला भी जाता है कि जितना ख्याल बच्चा हो जाएगा उससे बाद में आप करो, उससे पहले ज़रूरी है कि बच्चे से पहले ही कर लो, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज भी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज में यही सारी प्रॉब्लम होती हैं, पता ही नहीं होता किसी को क्या क्या खिलाना है क्या क्या पिलाना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, और इसलिए सरकार ने बोला भी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है अगर कोई वुमेन बच्चे को जन्म दे और घर पर बच्चा को जन्म देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पर किसी को नॉलेज ही नहीं है, अगर इमरजेंसी पड़ गई तो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपकी केयर करने के लिए, लेकिन घर पे कोई नहीं है। पुराने टाइम में होता था एक दाई आती थी वो सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा होता था, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए सरकार ने, और फ्री में एम्बुलेंस पहुँची जाती है आजकल, तो आप जैसे ही एक नंबर पर कॉल करोगे आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी, वो एम्बुलेंस लेके चले जाएगी, साथ में आपको फ्रूट व्रूट सब चीज़ देगी, साथ में पैसा भी मिलेगा। ये सरकार चाहती नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों, और अगर मदर मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, इन्फेंट मतलब बच्चे की मृत्यु,
मतलब जिस बच्चे ने जन्म लिया उसकी डेथ, ठीक है, तो उस बच्चे की भी मृत्यु नहीं होगी अगर माँ अच्छे से खाएगी तो। ये सारी चीज़ें एक तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और कई बार ऐसा होता है बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन अभी उसके अंदर ब्रीथ नहीं आ रही, तो हो सकता है अभी उसके अंदर ब्रीथ आ जाए अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या, इसलिए सरकार बोलती है कि भैया हम लोगों को दोनों को ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं जच्चा बच्चा स्कीम, जच्चा समझते हो ना, वो वुमेन जिसने बच्चे को जन्म दिया है, और बच्चा तो आप लोग जानते ही हो, उसके लिए भी सरकार एक तरीके से स्कीम चलाती है। और इस पोषण मिशन के थ्रू बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों ने बचाया है और साथ में बहुत सारे बच्चों को भी। और ये NFHS, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मतलब हम लोग हर साल कुछ ना कुछ ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर फैमिली की हेल्थ के बारे में सर्वे कराते हैं, खासकर वुमेन और लड़कियों के बारे में। तो इससे हमें पता चलता रहता है कि हमारे देश में कितनी वुमेन ऐसी हैं जिनके साथ वेस्टिंग की प्रॉब्लम, मतलब वेट नहीं बढ़ रहा है, कितनी इनकी हैं जितने के साथ स्टंटिंग की प्रॉब्लम, मतलब बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बड़ा ही नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेन पी लिए, बहुत सारी चीज़ें पी ली उसके बाद भी बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रॉब्लम को दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा और इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब सोचो जिस बच्चे को पहले से ही ब्लड की कमी है और उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि 14 घंटे काम करेगा, उसको नींद आने लगेगी, ठीक है। जब भी आप लोगों को वीकनेस होती है तो आप लोगों ने देखा होगा नींद बहुत आती है, ठीक है, सेम ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लग जाएंगी। ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए हम चीज़ों को ध्यान रखना है और हमारे देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। चले आगे, लिख लिए वाला, और ये सारी लिख ली टर्म, याद रखना आप लोगों से पूछा जाएगा। अब आप लोगों को आता है इकोनॉमिक सर्वे। देखो जब हमारा बजट आता है उससे जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे का एक पर्पज है, एक तो ये पिछला जो ईयर गया है उसके बारे में हमें बताता है, जैसे अभी 2024-25 हमारा चलेगा, उससे पहले 2023 and 2024, और साथ में 2025 और 2026, ये 3 ईयर एक साथ चलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको लास्ट ईयर का पूरा डाटा मिलेगा कि हम लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कहने का मतलब हम लोगों ने ये गोल रखे और ये हमने अचीव किया। प्रेजेंट वाले में आपको कुछ पॉलिसी सजेशन देगा कि भैया ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं वो सारे सजेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी प्लानिंग अच्छे से हो पाती है। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी, और प्लानिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी लॉन्ग टर्म में। ये सेम ऐसे ही, जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि देखो भाई हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन इन केस नहीं हुआ तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, या आप लोगों को कब तक तैयारी करनी है, टारगेट भी होना चाहिए कि इस ईयर तक मुझे तैयारी करनी है, अगर इस ईयर के बाद हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं पैरेलली ये वाला काम भी स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम ये तो टैग नहीं रहेगा कि बेरोजगार हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सरकार के साथ भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में सारा डाटा शो होता है, और इकोनॉमिक सर्वे को हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वो एक तरीके से बनाता है, रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके अंडर ही, रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है उसके अंडर ही वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, वहीं से एक तरीके से बजट की सारी चीज़ें बनती है और उस पर एक तरीके से सारा चीज़ लगाया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को और प्रेजेंट कौन करता है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक तरीके से प्रेजेंट करता है और वो सारी चीज़ें बताता है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ हुई। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत सारी बातों पर फोकस करता है। पहला होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब हम लोगों ने क्या अचीव किया है और साथ में क्या क्या हमको अचीव करना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस बार के बजट में हम लोगों ने एक बात बोली है कि हम लोग 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनेंगे, लेकिन डेवलप कंट्री तो जब बनेंगे ना जब हम लोगों को पता होगा क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इकोनॉमिक सर्वे वो सारी बातें बताता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है,
अगर हम इन इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ग्रोथ रेट काफ़ी हो जाएगी, और कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ेगा जिसमें हम लोग अच्छे नहीं हैं, उन चीज़ों को हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको इकोनॉमिक सर्वे में बोलता है। तो ये बोलता है कि भाई रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, आप लोगों ने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी। पहले आप लोगों को जीडीपी पता है, कौन बताएगा जीडीपी का मतलब क्या? अरे बोला ना कोई भी जिसको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो हमारे देश के अंदर एक कंट्री के अंदर विद इन वन ईयर के अंदर, मतलब एक टाइम पीरियड भी फिक्स है, वन ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ उस सब को हम क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कई बार प्रोडक्शन भी कह देते हैं। तो ये सारी पार्टें होते हैं जीडीपी का, लेकिन ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री के, जो इंडिया में रह रहे हैं, तो इसमें इंडियन सिटीजन भी इंक्लूड हैं और साथ में अदर कंट्री के जो सिटीजन हैं वो भी हैं, या फॉरेनर आप लोग बोल सकते हो। जैसे हमारे देश में नाइक कंपनी भी है, जोमेटो स्विगी ये भी काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, हाँ, तो ये सारी चीज़ें होनी थी। तो जीडीपी में हम सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी बेस पे दो और चीज़ें आती हैं, एक आपको आता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी में एक प्रॉब्लम होती है, नॉमिनल जीडीपी पे हम कई बार इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट जो पहले 10 रुपए का था, अब महंगाई बढ़ गई, उसके बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 15 रुपए, तो एक्चुअल में हमने क्या बोला, जीडीपी हमारा 5 से इंक्रीज हो गया, लेकिन एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से सारी चीज़ हो रही है। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी से बस इन्फ्लेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब हम लोगों को इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा महंगाई को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी अगर सैलरी 2023 में 50,000 थी, 50,000, और सरकार ने बोला अब तुम्हारी पॉलिसी जो पैसे हैं वो हम 70,000 करते हैं, उनको लगता है हमारा 20,000 बढ़ गया, एक्चुअल में 20,000 नहीं बढ़ा है, महंगाई भी थी। इसमें जो 10% है वो महंगाई है, इसका मतलब 5,000 आप लोगों का महंगाई है। तो अगर आप रियल में उसका इनकम निकालोगे ना, तो रियल में 5,000 माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल में इसकी इनकम बढ़ी है 15,000, समझे? और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। जैसे आप लोगों ने अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा, 5 रुपए में पूरा मेला घुमाते थे, पूरा घूम के खा भी आते थे और पैसा भी बचा लाते थे। आप बोलते क्या झूठ बोल रहे हो, हम लोग 500,000 लेके जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं बचता, आप लोगों के पास तब भी बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से उस टाइम बोला करते थे, तो इसका मतलब उस टाइम जो किसी भी पैसे की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ी वैसे वैसे उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। समझ आए आप लोगों को, नॉमिनल जीडीपी और साथ में रियल जीडीपी। तो याद रखना रियल जीडीपी में हमेशा हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन वाला पार्ट हटा देते हैं, तो एक्चुअल में हमें पता चल जाता है कितना, सेम ऐसे ही जैसे हमने इसकी इनकम के बारे में देखा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। हाँ एक और चीज़ हमारे सामने होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, GDP से हम लोगों को जब भी GNP पे जाना होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो बाकी सारी टर्म एक अलग है, बस एन हमने चेंज कर दिया, ये हो गया नेशनल। तो जब भी हमें नेशनल पे जाना होता है तो हम लोगों ने जो भी जीडीपी निकाला था ना, ये हमारा जीडीपी था। लेकिन इस इनकम में कुछ इनकम ऐसी भी थी जो बाहर के लोगों की थी, याद है फॉरनर लोगों की हमने गिना था दोनों। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर जीएनपी पे पहुंचना है तो जीएनपी पर पहुंचने के लिए जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो इसका सिंपल सा मतलब होता है, कुछ लोग हमारे देश के भी थे जो दूसरे देश में कमा रहे हैं, समझ आया? कुछ इंडियन सिटीजन है जो दूसरे देश में कमा रहे हैं, यूएसए गए हैं, कहीं और गए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया से कमा रहे हैं। तो जो इंडियन लोगों की इनकम होगी, इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं उनकी जो इनकम होगी, माइनस अदर सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी इनकम को माइनस करना पड़ेगा। मान लेते हैं इंडियन सिटीजन ने जो कमाए वो 20 करोड़ रुपए कमाए, और जो बाहर वाले थे उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए, तो इसका मतलब इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना आ गया, 10 करोड़। तो अब हम लोग बोलते हैं, मान लो जीडीपी हमारा था 100 करोड़ के आसपास, तो हमें 100 करोड़ में प्लस में 10 करोड़ ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, 110 करोड़। समझ आया, क्लियर हुई है वाला बात? तो ये चीज याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हमारे कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में कमा रहे हैं, हमारे देश के नहीं है। तो जीडीपी में हम लोग सारे रेसिडेंट की इनकम इंक्लूड करते हैं, ऑल रेसिडेंट। अब रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, बाहर का भी। आपने तो बोला जीएनपी निकालने के लिए जीडी में से इसको माइनस करना होगा। हाँ, तो माइनस किया ना, तो प्लस क्यों किया उसमें? प्लस इसलिए किया क्योंकि हमारे लोगों ने ज्यादा इनकम कमा ली थी, समझ आया? हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा इनकम कमा ली ना, अगर ये उल्टा हो जाता तो माइनस करना पड़ता। लेकिन इंडिया को ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू बाहर वाले जो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग यूएसए और डेवलप कंट्रियों में रहते हैं, तो वहाँ से इंडिया को इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है? उससे पता चलता है कि वो सारी चीज़ें होती हैं, समझ आए वाला बात? तो नेट का मतलब ही होता है हम लोगों को किसी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, किसी में से माइनस करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे जो आपको उस प्रॉफिट को कमाने में खर्च लगा, ऐसे एक तरीके से। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई जीएनपी वाला? अब एक और टर्म आता है जीएनपी से, आप नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आप लोग जी से एन पे जाओगे। देखो आप लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऑल इंडियन सिटीजन इंक्लूड है, ये चीज बस याद रखना। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब इसमें इंक्लूड है, चाहे इंडिया में रहें या बाहर रहें, कोई मैटर नहीं करता जीएनपी में। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है, जो हम लोग ये सारी इनकम निकाले उसमें हमारा कुछ खर्चा भी हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझते हो? आप लोगों ने सुना होगा डेप्रिसिएशन हर चीज में होता है, बिल्कुल। तो हम लोगों को इस जी से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, जो भी आप लोगों का डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लो आपने 2023 में फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज की कॉस्ट 20,000 थी। अब आप लोगों ने एक साल फ्रिज यूज किया, कोई 20,000 में ही ले लेगा उस फ्रिज को, इसका मतलब उस फ्रिज की वैल्यू कम हो जाएगी और उस फ्रिज की वैल्यू होगी 15,000। तो ये जो 5,000 है ना, ये डेप्रिसिएशन है। सेम ऐसे ही हम लोग जो भी समझ रहे थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें कुछ खर्चा भी हुआ है, ठीक है? तो उस खर्चे को हम लोग माइनस करेंगे, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन आप लोग बस माइनस कर दोगे। मान लो 110 करोड़ हमारा जीएनपी आ गया था, मान लेते हैं हमारा 5 करोड़ डेप्रिसिएशन है, तो एक्चुअल में 105 नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा कितना आया, 105।
क्लियर हुआ है सबको, गोल गोल तो नहीं हो गया? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सारा समराइज कर देता हूँ क्या क्या हमने किया। यहाँ तक समझ आए? देखो, हम लोग गए थे शुरुआत में जीडीपी। जीडीपी का मतलब आप लोगों को समझ आता है, ऑल रेसिडेंट, जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं वो सारे रेसिडेंट इसमें इंक्लूड हैं, ऑल रेसिडेंट, चाहे इंडियन के हों या बाहर के रहने वालों, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जीडीपी से अगर आप लोगों को जीएनपी पे आना है तो इसमें आप लोगों को एडजस्ट करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और इसका मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन ने जो पैसा कमाया माइनस अदर सिटीजन ने जो पैसा कमाया, ये इस पे जाने का तरीका है, समझ आए? फिर उसके बाद हम लोग जीएनपी से नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, जीएनपी में से आप लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, मतलब जो भी आपको कॉस्ट हुई वो एक तरीके से आपको माइनस कर दोगे। अब क्लियर हुआ? एक्चुअल में ये हमारी नेशनल इनकम है, समझे? इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, समझ को समझ आए वाला? तो इसी के बेस पे हम लोग नेशनल इनकम अपनी निकालते हैं कि भैया ये दो, और फिर उसके बाद हम बोल देते हैं सबके पास डिवीजन कितना हुआ। इसी को एक आप एक और टर्म में बोलते हो पर कैपिटल इनकम। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल इनकम, किसी देश की जितनी इनकम हुई है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो आपके देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन रहती है उसके बेस पे आप लोग डिवाइड कर दोगे, समझ आए? तो ये आप लोगों की पर कैपिटल इनकम मिल जाएगी, मतलब पर पर्सन के पास कितना पैसा आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे हमारे देश की अप्रोक्स इनकम 3 ट्रिलियन के आसपास है और हम लोग 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो पर कैपिटल में पैसा कम ही मिलता है ना, वरना बहुत कम देश है जिनकी हमसे ज़्यादा इनकम है, एक दो कोई छोड़ दो बस, आप चाइना है, यूएसए है और फ्रांस वाले वो कंट्री हैं, उसके बाद हम ही आते हैं। लेकिन हमारे लोग परिवार बहुत बड़ा है ना, तो डिवीज़न बहुत हो जाता है इसलिए। और ये पर कैपिटल इनकम के बेस पे ही पता चलता है कौन देश डेवलप है, कौन सा लीस्ट डेवलप है, कौन सा डेवलपिंग है, क्योंकि हम मिडिल क्लास में आते हैं इसलिए हमारे देश का नाम डेवलपिंग कंट्री है। क्लियर हुआ आप लोगों को सारा? ठीक है, ये कुछ टर्म है इकोनॉमिक्स की जो आप लोगों को कई बार पूछी जा सकते हैं, समझ आया? किसी को डाउट? चले अब आगे, ये वाला स्लाइड जरूर लिख लेना, आप लोगों को आसानी रहेगी, कभी भी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ोगे ना आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें सारी चीज़। और बड़ा सिंपल है, डी से एन पे जाना है, जी से एन पे जाना है, बस इतना ही करना आप लोगों को, और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसमें धीरे धीरे कम हो जाएगा। चले आगे, अब लिख लिया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोलेगा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टर्म यूज की जाएंगी तो आपको। और ग्रोथ रेट क्या होता है, जीडीपी और ग्रोथ में डिफरेंस होता है? नहीं, बताइए तो क्या होता है? जीडीपी जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आप लोगों का ग्रोथ, आप लोगों का भी ग्रोथ होता है नहीं? जैसे आप लोगों के बारे में बोला जाता है पहले आप लोगों ने 8th क्लास की थी, फिर 10th क्लास हो गया, फिर 12th क्लास हो गया, ये सब चीज़ें ग्रोथ ही तो कहलाती हैं। तो ऐसे ही हमारी जीडीपी का जो डेवलपमेंट होता है, मान लो 2023 में हमारी सरकार ने ग्रो किया 100 करोड़ के आसपास हमारी जीडीपी थी, 2024 में हम लोगों की जीडीपी होगी 120 करोड़। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 20 करोड़, ये एक्चुअल में ग्रोथ रेट है। तो एक्चुअल में हम कितना ग्रोथ किए, 20%, समझ आए? तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन हम लोगों ने क्या किया, और कई बार ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकती है, मान लो हम 90 पहुंचे, कोविड के टाइम हुआ था ना,
कोविड के टाइम हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई थी, तो ये जो 10 कम हुआ इसका मतलब हम लोग बोलेंगे 10% माइनस में थी हमारी ग्रोथ रेट। तो कोविड के टाइम हमारे देश में प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई खरीद भी नहीं रहा था, इस वजह से हम लोग नेगेटिव में चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम हमारे देश के अंदर एक तरीके से हो रही थी, तो उसके बेस पे हम बोल रहे थे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही थी। और एक और चीज़ याद रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। आप लोगों ने ये टर्म भी सुने होंगे। देखो वृद्धि जो है इस बात को बेटर करती है कि भाई या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्म है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, मतलब ये न्यूट्रल टर्म है। जैसा चीजें होगी उस हिसाब से, जैसे कभी आपकी हेल्थ अच्छी हो गई तो बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ है, कभी वीक हो गई तो नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे आप लोग जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी जीवन में, वैसे वैसे आप लोगों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब बोला जाता है, और आप लोगों ने सुना होगा मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी आती है, तो जो मैच्योरिटी है ना वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है और इसमें सब लोगों को एक तरीके से सोच, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे देश में सब लोगों के पास पैसा भी आने लगा है। देखा होगा ना आज के टाइम सबके पास इतना पैसा है कि कपड़ा रोटी मकान की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ के ऑलमोस्ट सबके पास, लेकिन उससे पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारी कमियां थी। लेकिन इसका डिवीज़न अलग अलग वे में हो सकता है, अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और गरीब लोगों के पास कम पैसा है, तो अलग अलग वे में इसका डिवीज़न हो सकता है। समझ आए ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ये चीज़ याद रखना। क्या जीडीपी बताने गया था? हाँ। तेज बोलो ना, क्या बोल, मुझे समझ। तो आप ये रहे थे ग्रोथ और जीडीपी बताने की। हाँ, मतलब इसका ग्रोथ जो होती है वो जीडीपी में ही तो होती है और उसके बाद डेवलपमेंट। जीडीपी से तो आप समझ ही गए टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा और ग्रोथ में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज वो ग्रोथ होता है, ठीक है। और एक और चीज, जीडीपी या GNP या NNP, ये सब दो बेस पे डिपेंड होते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब उसको बनाने में जितना खर्च लगा, और मार्केट कॉस्ट का मतलब एक्चुअल में वो कितने का बिक रहा है। समझ आए आप लोगों को? तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। तो फैक्टर कॉस्ट में फैक्ट्री के गेट पर देखो, जब भी कोई आप सामान बनाओगे तो उसके लिए कुछ चीजें आपको लगेंगी, लैंड आप लोगों को लेना पड़ेगा, जमीन, लेबर आप लोगों के पास होनी चाहिए, फिर आप लोगों को कुछ पैसा भी लगाने पड़ेगा, कैपिटल, और फिर आप लोग एक बिजनेस भी खोलोगे, इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब पे जो भी आपकी कॉस्ट लगी वो है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका कोई भी सामान बनाने में जो कॉस्ट लगा वो क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में ये चार पहला, जैसे लैंड आपने लिए है तो इसका आपको रेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। लेबर आपने हायर की है तो इसकी सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा ना। अगर कैपिटल आपने लिया है कहीं से तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की फैक्टर से मिलती है, और जब ये चीजें मार्केट में पहुंच जाती है तो बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे फैक्ट्री में जैसे ही बना, सरकार आप लोगों से टैक्स लेना स्टार्ट कर देगी, टैक्स लेगी ना, आप लोगों ने कंज्यूम किया तो सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, देखो भैया आप पैकेट का बना हुआ बिस्किट बेच रहे हो तो उस पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा। वो सारे जो टैक्स हैं वो आप लोगों के इसमें इंक्लूड हो जाएंगे मार्केट प्राइस में। तो मार्केट में हमेशा कोई भी गुड्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें,
लेकिन कई बार सरकार क्या करती है, सरकार भी इन लोगों पे थोड़ी सी राहत कर देती है। मान लेते हैं रेंट लगा था इन लोगों का 10,000, सैलरी जो इन्होंने दी थी वो दी 20,000, इंटरेस्ट इन लोगों ने दिया वो दिया 10,000, प्रॉफिट जो इन लोगों ने दिया वो था 20,000। ठीक है, तो 10, 20 और 20, 40 और 10, 60,000 के आसपास आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सरकार बोल रही देखो आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो और हम लोग क्या करते हैं आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो सरकार चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा कंपनियां खुलें। क्यों? कंपनी ज़्यादा खुलेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए सरकार ने आप लोगों को बोला आप लोग ना सब्सिडी ले लो, आप लोगों को छूट देते हैं, और सरकार ने आप लोगों को 10,000 की सब्सिडी दे दी। तो एक्चुअल में आपका कितना आया? 50,000। अब मान लो 50,000 में एक लैपटॉप एप्पल का बन के तैयार हो गया। एप्पल के लैपटॉप में ये सारी चीज़ें थी और इतने कॉस्ट में ये बन के तैयार हो गया। अब ये मार्केट में कितने में पहुंचेगा ये भी मैटर करता है। तो 50,000 के आसपास इस भाई साहब ने यहाँ पे लगाया अपना हिसाब, और साथ में ही सरकार बोलेगी हमको टैक्स भी दो, तो सरकार ने मान लो 20,000 के आसपास टैक्स ले लिया। थोड़ा सा ब्रांडेड है ना, अपर क्लास वाले खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड होगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो भाई साहब है ना ये आप लोगों को सब्सिडी नहीं देगा। इस सब्सिडी इसको मिली है ना, इसलिए आप लोगों को बोलेगा भाई साहब हम लोगों को सब्सिडी आप लोगों को नहीं देंगे। तो जो 50,000 में आप लोगों ने सब्सिडी माइनस करवा ली थी ना, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, 10,000 और सब्सिडी का लेगा, क्योंकि वो खुद फ़ायदा उठाएगा। आप लोगों को क्यों? बिल्कुल पूरे ही लेगा कस्टमर से, वरना इसको फ़ायदा क्या हुआ फिर सरकार के वहाँ करने का। तो एक कस्टमर से पूरा एक तरीके से लेता है, समझ आए? तो ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब हम भी फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं ना उसमें सब्सिडी माइनस होती है, माइनस है ना, 50,000 पे हम पहुँच गए। और जब भी हम लोग मार्केट कॉस्ट निकालते हैं सब्सिडी ऐड होती है, प्लस करना पड़ता है सब्सिडी को। ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऑर्डर होती है, उसके बेस पे आप लोगों को अब प्रोडक्ट मिलेगा, समझे? तो ये लोग आप लोगों को सब्सिडी नहीं देते, वो अपना बेनिफिट आप लोगों को क्यों देगा? उसको पता है कि भाई कस्टमर से हमें इतना वसूलना है और ये तो हम लोगों को मिला ही है। और इस एंटरप्रेन्योरशिप को क्या, अरे प्रॉफिट नहीं मिला पहले से ही उसने इंक्लूड कर लिया है फैक्टर कॉस्ट में उसका प्रॉफिट, पागल थोड़ी ना वो अपना ये नहीं इंक्लूड करेगा। ये एक तरीके से वो ये इंक्लूड कर रहा है कि मैंने जो बिजनेस खड़ा किया उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इसलिए तो हम लोगों ने प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया। तो वो फैक्टर कॉस्ट में अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करता है, वरना ये बोलेगा ना मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर बोलेगा फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इसको फ़ायदा एक तो ये हुआ 20,000 वाला, दूसरा हाँ दूसरा फ़ायदा इसको ये 10,000 वाला भी हुआ जो सब्सिडी इसको मिली, तीसरा फ़ायदा ये आप लोगों से कुछ पैसे और लेगा, क्योंकि जो ये टैक्स है ना ये टैक्स आप लोगों से वसूलेगा ना, खुद थोड़ी ना देगा। ये जो 20,000 रुपये टैक्स है ये आप लोग दोगे, समझ आए? वो नहीं देने वाला, इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों से लिया जाता है जो उसे यूज करता है। बिल्कुल 90,000 का बिकेगा वो, टैक्स वाइज कुछ नहीं देने वाला। और उसको फायदा कितना हुआ, 30,000 का उसे फायदा हो गया, वैसे 40 में ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस बेस पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है, समझ आया आप लोगों का? तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में याद रखना ये सारे वो होते हैं। ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भाई कौन कौन से फैक्टर कॉस्ट के पिलर होते हैं, तो चार पिलर के बारे में याद रखना बस। और मार्केट प्राइस में आप लोग ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो मार्केट प्राइस में हम बस इतना इंक्लूड कर लेते हैं, हम लोग एक सिंपल फार्मूला निकालते हैं, याद रखना। फैक्टर कॉस्ट से अगर आप लोगों को मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट की तरफ पहुंच रहा है ना, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें आप लोग माइनस कर दोगे टैक्सेस को, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, टैक्स को माइनस कर दोगे क्योंकि टैक्स उसने पहले से ही आपसे वसूल लिया है, तो आप लोग टैक्स उसको दे ही चुके हो, और प्लस सब्सिडी, सब्सिडी उसको मिलेगी और ये पहले यहाँ से माइनस थी इसलिए आप लोगों को देनी पड़ेगी।
है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आप लोगों को मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर दोगे, और मार्केट प्राइस से आप वापस भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग एक तरीके से कर सकते हो, समझ आए सबको। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, नोट डाउन कर लो ये वाला।